पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीती 25 फरवरी को भगतपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवकों द्वारा एक मंदबुद्धि युवती के साथ बलात्कार किया गया था। युवती शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और मंदबुद्धि थी। अचानक वो किसी तरह भगतपुर के रोशनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां उसके साथ युवकों ने जंगल में बहला फुसला ले जाकर बलात्कार किया था, जिसमें आज एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि मुगलपुरा निवासी लड़की के भाई ने अपनी बहन के साथ अज्ञात युवकों द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। चूंकि घटना रोशनपुर रेलवे स्टेशन के आसपास की थी, तो पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया, जिसमें भगतपुर थाना क्षेत्र गांव सीतापुर बहेड़ी के दो युवक हसनैन व फरमान का नाम सामने आया। ये दोनों उसे अपनी बाइक पर बैठाकर खेत में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। चूंकि लड़की मूर्ख विधिर और मंदबुद्धि भी थी, वो इनका इरादा भाप नहीं पाई। इन दोनों आरोपियों ने लड़की से हमदर्दी जताई और उसके साथ सेल्फी भी खींची, जिस कारण वो इनके साथ चली गई, जिसका फायदा इन दोनों ने उठाया। पुलिस को इस केस में पीड़िता से पूछताछ करने से खासा दिक्कत हुई, लेकिन उसने इन्हें पहचानने में कोई देरी नहीं की। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल और हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके पूर्व में कोई क्राइम इतिहास नहीं है, फिर भी अभी और पूछताछ की जा रही है। दिनांक 24 फरवरी की रात्रि में थाना मुगलपुरा क्षेत्र की निवासी एक मंदबुद्धि युवती ट्रेन से थाना भगतपुर क्षेत्र के अंतर्गत रोशनपुर बहेड़ी रेलवे स्टेशन पर प्रातः वहां पहुंचती हैं। प्रातः 9 बजे के आसपास एक अभियुक्त उनसे मिलता है और उसको बहला फुसला कर उसके साथ सेल्फी लेता है। तदोपरांत मोटरसाइकिल पर एक अन्य अपने साथी को बुलाता है और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठाकर उस युवती को एक वहां से 3-4 किलोमीटर दूर जंगल में गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार करते हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने उक्त घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। पीड़िता के कपड़े बरामद किए गए हैं उनकी निशादेही पर और मोबाइल फोन जिसका प्रयोग किया गया था घटना में वह पुलिस ने कब्जे में लिया है। सब कुछ कितने आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को? ये घटना अज्ञात में पंजीकृत की गई थी और चूंकि युवती ठीक से घटना को बता भी नहीं पा रही थी, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था और इसको मुखबिरों के जरिए डेवलप करते हुए पुलिस इस मुकाम तक पहुंची। सर, आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, क्या नाम है? आरोपीगण एक राजमिस्त्री का कार्य करता है, एक गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता है। इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और इनके द्वारा इस प्रकार से वहां रेलवे स्टेशन पर उस युवती को अकेले देखकर बहला फुसलाकर यह घटना कारित की गई।